हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐप पिनिंग को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको दिखा रहा है ऐप पिनिंग। तो ऐप पिनिंग पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड से ऑन कर देना होगा, यानी कि इनेबल कर देना होगा और ओके कर देना है। ओके करते ही आपका ये ओके हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, और अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पिनिंग यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको करना है और यहाँ पर जो यूट्यूब वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का छोटा सा आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको पिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गो इट कर देंगे। तो आपका ये ऐप पिनिंग इनेबल हो जाएगा, यानी कि आप यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं चला पाएंगे। ये देखिए, जैसे कि मैं YouTube के अलावा कुछ भी नहीं चला पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऐप पिनिंग। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।